तिवारी मरता है तो उसको 50 लाख का मुआवजा मिलता है, और संजली के परिवार वालों को SDM साहब घोषणा करते हैं 50,000 रुपये की। आप कंपैरिजन कर सकते हैं सोच का, सोच में कितना फ़र्क है। एक दलित के लिए 50,000 रुपये और एक ब्राह्मण के लिए 50 लाख रुपये की घोषणा की जाती है। हम लोगों ने वहाँ गाँव में काफ़ी प्रयास किया था, हम लोगों ने SDM के साथ काफ़ी 4-5 घंटे तक बहस की, वहाँ पर SP मौजूद था, SP रूरल जो है उनके साथ भी बहस की, उसके साथ भी हमने काफ़ी बातचीत की, लेकिन उन लोगों ने हमारी बात नहीं सुनी। यहाँ तक कि किसी भी तरीके का लिखित आश्वासन देने में वो लोग उसके लिए तैयार नहीं हुए। SDM साहब से हमने कहा कि आप इतनी तो क्षमता रखते होंगे, आपके कलम में इतनी ताकत तो होगी कि आप कलम 10 लाख रुपये लिख के दे सकें, जो सरकारी नियम के हिसाब से बनता है 10 लाख रुपये, आप वो तो लिख के दे सकते हैं, वो उसके लिए भी तैयार नहीं हुए। बोले कि मैं लिख के नहीं दे सकता ऐसे, लेकिन मैं आश्वासन दे रहा हूँ, यहाँ XMLA खड़े हैं, मैं हूँ, गाँव का प्रधान है, हम सब करने के लिए तैयार हैं, हम आपको आश्वासन देते हैं। लेकिन गाँव के ही कुछ दबंगों के साथ मिलके, कुछ दबंग टाइप के लोग थे जो गाँव के, उन्होंने हमारा ही विरोध शुरू कर दिया वहाँ पर, ये बताते हुए कि दिल्ली से कुछ गुंडे आए हैं और वो गाँव की सद्भावना बिगाड़ रहे हैं, माहौल ख़राब कर रहे हैं गाँव का, जबकि हम अपनी बेटी की आवाज़ उठा रहे थे, हम लोग इंसाफ की मांग कर रहे थे वहाँ पर। हम लोग जब तक वहाँ खड़े रहे, हम लोगों ने किसी को हाथ नहीं लगाने दिया कि हम शव को हाथ नहीं लगाने देंगे, कोई लेके नहीं जाएगा, परिवार पूरा हमारे साथ था। लेकिन जैसे ही पुलिस ने हमारे साथ लाठीचार्ज किया और पुलिस हमें गाँव से खदेड़ के बाहर ले गई, और उसके बाद SP साहब हमारे पास आते हैं और हमसे बात करते हैं कि माहौल ख़राब है यहाँ पर, तो वो हमें कहते हैं कि थोड़ा सा आप समझिए माहौल को। हमने कहा ठीक है जी, गांव में चलते हैं, बात करते हैं। हम उस 5 मिनट के दायरे में हम गांव में वापस आते हैं तो देखते हैं पीछे से बेटी का शव गायब है। पुलिस प्रशासन, परिवार और वहां के दबंग लोग परिवार पे दबाव बनाते हैं और शव ले जाके गांव के पीछे 5 मिनट के अंदर उसका दाह संस्कार कर देते हैं। उन्हें पता नहीं उन दबंगों के किस बात की जल्दी थी कि जल्दी से जल्दी उस लड़की का, पुलिस से ज़्यादा जल्दी उन दबंगों को थी कि इस लड़की का अंतिम संस्कार जल्दी से जल्दी किया जाए। पता नहीं वो क्या छुपाना चाहते थे या उनको डर था कि कोई क्लू सामने ना आ जाए, इसलिए वो जल्दी से जल्दी वहाँ से उस लड़की को हटाना चाहते थे। बाकी हम लोग आप सब यहाँ पर आए, मैं धन्यवाद करता हूँ आप सभी का, हार्दिक धन्यवाद करता हूँ दिल से, और हम लोग की अपील आप लोग आगे तक पहुँचाइए।